हेलो दोस्तों, वेलकम टू करियर सेटिंग वंस अगेन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमसे बार बार हमारे व्यूअर्स सवाल पूछते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। व्यूअर्स का एक सवाल जो हमें बार बार आ रहा है जिस पे हमने गौर किया है वो ये था कि हम हमारी पढ़ाई करते हुए जॉब करना चाहिए या नहीं, शैल वी कंटिन्यू द जॉब वाइल डूइंग आर स्टडी और नॉट। तो इस पर हम लोग आज फोकस करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात ये समझ लेते हैं कि सवाल एग्जैक्टली बोल क्या रहा है, सवाल बताना क्या चाहता है। मैं इसको थोड़ा सा डिकोड अगर करके आपके सामने रखूं तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कि हम हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू करते हुए किसी तरह का जॉब ऑप्ट करें, किसी तरह का जॉब करें या ना करें। वैसे ही जो सारे जॉब करने की मैं बात कर रहा हूँ यूजुअली ये पार्ट टाइम जॉब्स होते हैं, तो इसको समझते हैं पहले। पहली बार तो मैं ये बताना चाहूँगा, पहले आपको क्लियर ये करना पड़ेगा कि जॉब करना क्यों है। अगर आप कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हो जहाँ पे आपको फुल्ली फोकस आपकी पढ़ाई को देना है तो मुझे नहीं लगता कि जॉब विल बी द राइट आंसर फॉर यू। ओके, इसको समझते हैं कि कौन सी कैटेगरी इसमें आती है। अगर मान लो आप किसी चीज़ में पूरा इंग्रोस हो चुके हो, लाइक यूपीएससी आईएएस की पढ़ाई कर रहे हो और आपको उसमें फुल टाइम देना है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप उसको जितना जॉब भी करोगे, 5 घंटे 4 घंटे का जो भी काम करोगे उसमें ही दे दो, है ना। तो आपको पूरी तरह से वही पढ़ने का मौका मिलेगा, उसी को आप बेहतर समझ सकोगे। इस तरह की कैटेगरी आपको समझ में आ जाएगी कि जो चीज़ कर रहे हो उसी को फुली आपको करना है। दूसरी बात, अगर इसके अलावा भी जॉब करना है तो मैं बताऊंगा कि कुछ ऐसी भी कैटेगरीज है जहां पे आई रिकमेंड यू टू डू सम जॉब, लेकिन वो जो जॉब है वो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई से, आपके कोर्स से, आपके एकेडमिक से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, हो सकता है वो आपको प्रॉपर पे ना करें। जैसे इंटर्नशिप होती है उसमें पेमेंट ज़्यादा नहीं मिलती है आपको, 4 घंटे काम करवा के, वो 4 घंटे के नाम पे बहुत ज़्यादा काम करवा के भी आपको बहुत कम पेमेंट देंगे। लेकिन ये है कि अगर वो आपके फील्ड के रिलेटेड है तो ये आपको बहुत ही एक इंटरनल जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में वो समझने की आपको हेल्प देगा, उस समझने की कोशिश करवाएगा, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली इससे मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ या कौन सी चीज़ें जिसमें मुझे फोकस करना चाहिए मेरे एकेडमिक्स में। क्योंकि आपको मार्केट में क्या चलता है, मार्केट की क्या डिमांड्स है वो समझ में आ जाएगी, मार्केट के क्या इशू वो समझ में आ जाएंगे। तो मार्केट के इशू को आप आपके एकेडमिक्स में पहले ही समझ सकते हो और पहले ही उस पर ज़्यादा फोकस करके सीख सकते हो। तो ये तो रहा कि पर्सपेक्टिव की कौन से फील्ड के रिलेटेड मैं आपको बता रहा हूँ जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा जो जॉब करने की बात करे अपनी पढ़ाई करते हुए वो हमेशा फील्ड के हिसाब से ही बात कर रहा हो। कभी कभी प्रॉब्लम अपने पैसों की हो सकती है, कभी कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसे मैंने बताया, कभी कभी फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारे अलग अलग इशू भी होते हैं, तो उनको भी समझते हैं। तो पहली बात तो मैंने बताया कि जब भी जॉब करने की बात आए, कंफ्यूजन आए, पहले तो देख लो कि आपकी फील्ड क्या है, आपकी फील्ड में आपको स्कोप मिलता है, उतना टाइम मिलता है कि आप कुछ और कर सको। और दूसरी बात यह है कि अगर कर भी रहे हो तो फील्ड के रिलेटेड अगर जॉब है तो अच्छा रहेगा। अब इसको और दूसरे तरह से मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको जॉब इसलिए ही करना पड़े क्योंकि आपके पास उतना टाइम है या फील्ड की रिक्वायरमेंट है। कभी कभी आप पैसों की वजह से भी जॉब कर सकते हो और बाकी सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो इसमें भी हम बात करते हैं, पार्ट टाइम अगर हम लोग जॉब कर रहे हैं और पैसों की अगर प्रॉब्लम है तो देखो, इजीली तो आपको पता है जैसे कॉल सेंटर वगैरह ऐसे कुछ जगह है जहाँ पे आपको इजीली जॉब मिल जाएगा, लेकिन मैं वहाँ पे भी आपको रिकमेंड करूँगा थोड़ा टाइम लीजिए, 1-2 महीना और टाइम लीजिए, कोशिश कीजिए कि आपकी फील्ड के रिलेटेड कोई जॉब अवेलेबल है क्या। मार्केट में अगर आप कोशिश करोगे तो आपको इसमें डबल फायदा होगा। पहला फ़ायदा तो ये हो जाएगा कि जो आप आज से 4 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, जो करने वाले हो वो आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो जॉब हासिल करने की जो प्रोसेस है, CV बनाना, एप्लीकेशन देना, इंटरव्यू के लिए जाना, फिर वहाँ पे वो जो हमारे कॉम्पिटेटर है उनका एनालिसिस करना, फिर वहाँ की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होते हैं, नए नए सॉफ्टवेयर्स होते हैं उस पर काम करना, वो सारा आप पहले से ही कर चुके हो गए। मतलब ऑलरेडी आप आपके कॉम्पिटेटर से 2 कदम आगे हो। एक दूसरा क्या है, वो करते हुए हो सकता है आपको जो एक्सपोजर मिले मार्केट का वो बहुत बड़ा मिल जाए, एक्सपोजर मिल सकता है आपको ऑलरेडी जो आपके हाथ में जॉब है, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी पढ़ाई थोड़ी सी हैम्पर हो सकती है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल चीज़ है, अगर आपका कोई भी जॉब ऐसा है जो स्किल बेस्ड है और एकेडमिक्स भी ऐसा है जो स्किल बेस्ड है, तो वो कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा। और रही बात तो अगर ऐसा जॉब नहीं मिलता है और अगर आपको लगता है कि नहीं फाइनेंशियल इशू है तो मैं कुछ टाइम के लिए कर लेता हूँ, तो मुझे लगता है ये फिर आपका खुद का एक कॉल होगा जहाँ पे आपको बहुत ही सोच समझ के ये कॉल लेना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक बार अगर आप जॉब के चक्कर में लग गए या स्पेशली कॉल सेंटर वाला जो इशू होता है, तो यहाँ पे तो एक सिंड्रोम ही हो चुका है जिसको BPO सिंड्रोम बोलते हैं। क्या है, एक बार आप जॉब करने लग जाते हो, आपके हाथ में थोड़ा पैसा आने लगता है, तो आपका पूरी तरह से फोकस आपकी पढ़ाई से हट जाता है।
अब वैसे पढ़ाई से फोकस हटना, ये तो आपको पता है, जैसे कुछ और अगर आप कर रहे होते तो ठीक था, कोई बात नहीं कि आपका उसमें करियर बन सकता है, लेकिन बीपीओ में कोई बहुत बड़ा करियर नहीं बनने वाला है आपको। सो अल्टीमेटली आफ्टर सम ईयर्स यू विल रियलाइज कि मैंने मेरे अब बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, और वो जब तक रियलाइज होगा तब तक आपका बहुत सारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट हो चुका होगा। तो उससे पहले आपको ये रखना है ध्यान में कि मेरी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी है, तो उतनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मुझे मीट करने के लिए कैसा जॉब चाहिए। हाँ, अगर मेरी फील्ड के रिलेटेड जॉब मुझे वो सब प्रोवाइड नहीं करेगा, उतने फाइनेंस इतने ही प्रोवाइड करेगा, तो एक कर सकते हो, आप जॉब करो, उतने टाइम में जो भी जॉब करके आपने जो अर्न किया है उससे जॉब की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसको मीट करो, और फिर वापस से आपकी पढ़ाई पे फोकस करो। देखो, यहाँ पे इंडिया में ये नहीं चलता, अमेरिका में क्या होता है, अगर फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज आती है तो लोग गैप ले लेते हैं। इंडिया में गैप लेना बहुत अजीब चीज़ समझी जाती है, लेकिन अमेरिका में ये बहुत ही कॉमन है। वहाँ लोग क्या करते हैं, जैसे उनका 10+2 हो गया या फिर ग्रेजुएशन हो गया, उसके बाद दे टेक गैप, वो कुछ पैसा कमाते हैं, उसके बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। तो वो भी हो सकता है, लोन एक ऑप्शन हो सकता है। वैसे इंडिया में एजुकेशन लोन लेना फिर भी कॉमन बात नहीं है, एक। दूसरी बात, लोन इजीली मिलता भी नहीं एजुकेशन का, ये भी आपको पता होगा, दो। और तीसरी बात, एजुकेशन लोन सिर्फ प्रोफेशनल कोर्सेज पे ही मिलेगा, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कर रहे हो तो शायद आपको एजुकेशनल लोन ना मिले, तो ये वाला भी फंडा यहाँ काम नहीं करेगा। तो मेरा बस इतना बताना है कि अगर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की वजह से अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है कि जॉब करे या ना करे, तो सिंपल आंसर इसका ये है कि इसको आप उतना ही जितने पहले आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट का बजट निकालिए, उसके रिलेटेड जॉब कीजिए 1-2 महीने जैसे भी होगा, और उसको रख दीजिए साइड में, उसके बाद यू टर्न बैक टू योर स्टडीज। दो, तीसरी बात, अब मैं जैसे बताइए आपको कि जॉब करने के लिए और भी अलग अलग सिचुएशन आती है कि कुछ और नया ट्राई करना है, मार्केट में कुछ सीखना है। हाँ, अगर आपके पास टाइम मिलता है, आपके एकेडमिक्स, आपका कोर्स, आपकी जो पढ़ाई है वो अलाउ करती है, उसमें अगर आपको एक्सपोजर मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, तो अलग 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 चीज़ें सीखने के लिए ज़रूर ज़रूर जॉब कीजिए। आपको बता दूं मैं, इसका सबसे परफेक्ट टाइम होता है जब आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाती है, जब आपके एकेडमिक्स ख़त्म हो जाते हैं, जो बीच में का जो ब्रेक रहता है, समर वैकेशन। समर वैकेशन का बेस्ट यूटिलाइजेशन मुझे लगता है अलग अलग जगह पे, या तो कोई कोर्स करके, या तो इंटर्नशिप करके, या तो जॉब करके है। उसमें मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप बीपीओ भी कीजिए, क्योंकि वहां से आपकी पर्सनालिटी ग्रूम होगी, या बीपीओ के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है इन द मार्केट, डू दैट। चाहे फिर वो आपको मार्केटिंग क्यों ना करने पड़े, लेकिन कुछ ना कुछ तो सीखोगे आप, दैट इज श्योर। ओके, तो 2 मंथ्स जो बीच में मिलते हैं, मुझे लगता है वो बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, आपकी खुद की कैपेबिलिटीज को समझने का। क्योंकि देखो, आपको भी पता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा फ्लॉ क्या मिल रहा है हमको, कि थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत ज्यादा मिल रहा है, प्रैक्टिकल, जैसे उसको अप्लाइड नॉलेज की बात करते, प्रैक्टिकल की बात करते, हम एकदम से जीरो पे आ जाते हैं। हमको ऐसा लगता है ये तो सब नया है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी। तो आपकी किताबें बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा रही है, बता नहीं रही है, पढ़ा नहीं रही है, और जब मार्केट में जाते हो तो पता चलता है, अरे रिक्वायरमेंट कुछ और है, मार्केट कुछ और बोल रहा है, मार्केट के रिलेटेड जो था वो तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, सीखा ही नहीं। तो ये जो चीज़ें आगे होने वाली है उसको आप अभी से समझ सकते हो। इसका बेस्ट ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जो एग्ज़ाम के बाद का जो टाइम है, और आपके एडमिशन का जो पहले का जो टाइम है, जो छुट्टियों का टाइम है, उसमें आप जॉब कीजिए। इसके अलावा अगर आपको, जैसे मैंने बताया कि लगता है कि बीच में भी मुझे कुछ ना कुछ एक्सपोजर मिलने के लिए जॉब करना चाहिए, जैसे हमने कोई एनजीओ ज्वाइन की थी, वहाँ पे हमने काम करना स्टार्ट किया, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, उससे भी सीखने मिलेगा। जॉब करना और बीच में स्पेशली आपके एजुकेशन के टाइम पे करना, आपकी फैमिली इसको अलाउ नहीं करेगी, बहुत टाइम तो ये पक्का है कि अलाउ करने वाली नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कुछ उससे कर सकता हूँ, या मुझे खुद की कैपेबिलिटी समझ में आएगी, मुझे खुद के स्किल समझ में आएंगे, तो ऑफकोर्स यू शुड डू दैट। और मुझे नहीं लगता कि उसमें बहुत ज़्यादा सोचना भी चाहिए, अगर आपके पास टाइम मिल रहा है ना तो ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि समझ में आना चाहिए कि जॉब करना और करियर करना दो अलग चीज़ें हैं। करियर करना मतलब आप उसमें बहुत ज़्यादा खुद को दे दोगे, ठीक है, इतना टाइम आपको नहीं देना है, और जॉब करना मतलब क्या है कि यू डू दैट फॉर पर्टिकुलर टाइम, टेम्परेरी, और बाद में उसको ख़त्म कर दो वहाँ पे। तो सीख गए ना, सीखने के बाद क्या है, अगर स्टैग्नेशन आ जाता है, वो वापस वैसे ही रहेगा, तो उसको छोड़ दो, एंड देन यू डू समथिंग एल्स, जहाँ पे आपको लगता है कि ठीक है, यहाँ पे मैं ये सीख गया हूँ, इसके बाद इसमें कुछ रहा नहीं, कुछ और ट्राई करते हैं, या आपको लगता है कि बहुत मैं सीख गया हूँ, ये मेरा स्किल है, इसमें मैं करियर कर सकता हूँ, तो यू गो फॉर दैट। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जॉब का जो सवाल है, उसका जो कन्फ्यूजन है आपको, उसका आपको आंसर मिला होगा। और फिर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इंडिया में इसको बहुत ही डिग्रेड किया जाता है कि आपके एजुकेशन के करते समय, एजुकेशन को करते समय आप जो जॉब करते हो उसको सही से इतना वो नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही एक प्रॉब्लम रही है, आपके घर वाले भी आपको जॉब नहीं करने देते। तो मुझे लगता है इस टाइम पे आपको जॉब ज़रूर करना चाहिए, अगर आपका कोई कोर्स ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको पूरी तरह से आप इंगेज हो, जहाँ पे स्कोप ही नहीं बचता कुछ करने का,
तो तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ जहाँ पे पॉसिबल है मैं तो मानूंगा कि ट्वेल्थ के बाद आपको सबसे बड़ी बात करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं जॉब करना स्टार्ट करना चाहिए। अमेरिकन कल्चर में ये पहले से ही है, वो एक छोटी सी किराना दुकान पे भी जॉब करेंगे स्टार्ट, लेकिन वो करते हैं, ठीक है, 10+2 होने के बाद और 10 होने के बाद भी वो लोग जॉब करते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको मेंटेलिटी को हमको चेंज करना पड़ेगा अगर मार्केट में आपको टिकना है तो। सो दैट्स व्हाट आई वुड रिकमेंड फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत नहीं है तो प्लीज़ मुझे बताइए। आप मुझे करियर सेटिंग के वीडियोस को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि आपको क्या लगता है जॉब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो आपके क्या रीजंस है और नहीं करना चाहिए तो आपके क्या रीजंस है। और इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।